नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नमक के बारे में, जो हम सबके खाने का जरूरी हिस्सा है। तो चलिए बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो समुद्र का खारा पानी बड़े बड़े तालाबों में जमा किया जाता है। नावों और पाइपों से पानी इन तालाबों तक पहुंचाया जाता है। फिर क्या, सूरज की स्ट्रॉन्ग गर्मी और हवा की मदद से पानी को सुखाया जाता है। सोच रहे हो ना, ऐसा कैसे होता है? देखो भाई, जब पानी स्टीम बनकर उड़ जाता है तो पीछे रह जाता है नमक और कुछ मिनरल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं सोलर इवेपोरेशन, जो नमक बनाने का सबसे पुराना और नेचुरल तरीका है। अब सूखे हुए नमक को इकट्ठा करके साफ किया जाता है, मतलब गंदगी और इंप्योरिटीज को नमक से अलग कर दिया जाता है और ज्यादा प्योर बनाने के लिए कई बार रिफाइनिंग भी की जाती है। एक और नमक होता है रॉक सॉल्ट। जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। गहरी खानों से इस नमक को बाहर लाकर फिर से प्रोसेस किया जाता है ताकि हम खा सकें। तो दोस्तों, ये था नमक बनने का पूरा सफर। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।